जिस तरीके से साथियों व्यू अभी देखिए भाई, पूरा तो पार्किंग एरिया बना दिए हैं लोग, यहाँ पे फुटपाथ पे गाड़ियाँ जो है खड़ी कर दिए हैं सब एक तरफ से, क्योंकि इस पथ पे अब जो है थोड़ा बहुत भीड़ जो है कम। दोस्तों एक भंडारा चल रहा है जो कि बहुत ही पहले टाइम से चल रहा है, प्राण प्रतिष्ठा के पहले से ही, तो श्रद्धालुओं के लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। जब लोग दर्शन करने आते हैं वो भी भंडारा का जो है आनंद लेते हैं। तरीके से चौक बनाया गया इधर, यहाँ पे लिखा भी है धर्म चौक, इधर लाइटिंग वगैरह भी लगाई गई है और इसको एक गार्डन नुमा जो है काफ़ी अच्छा बना दिया गया। मैं थोड़ा सा इधर चल के आपको दिखाऊंगा अगर आपको और भी अच्छा। जय श्री राम दोस्तों, मैं बलवंत आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपनी और एक नए ब्लॉग में। दोस्तों आज वाले ब्लॉग में हम आपको दिखाएंगे धर्मपथ का क्या अपडेट है, प्राण प्रतिष्ठा के बाद क्या क्या नज़ारा है, क्या चीज़ें अपडेट की गई है, सब कुछ आपको इस वीडियो में दिखाने वाले। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखिएगा, सब कुछ आपको दिखाएंगे, ठीक है। ये मार्ग जो है बिल्कुल मुख्य मार्ग है क्योंकि यहाँ से भी श्रद्धालु जो है प्रभु श्री राम जी का दर्शन करने के लिए जाते हैं, क्योंकि हाईवे के जरिए आते हैं तो यहाँ से भी जो है दर्शन करने जाते हैं, ठीक है। अभी आप लोग देखेगा तो कुछ इस तरीके से आपको व्यू देखने को मिलेगा, साथ साथ यहाँ पे आपको श्रद्धालु भी देखने को मिलेंगे जो कि फुटपाथ के जरिए कुछ रामलला का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं और कुछ जो है दर्शन करके वापस अपने घर की ओर जा रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल मुख्य मार्ग है और बहुत ही सुंदर बनाया गया है इस मार्ग को। दोस्तों एक भंडारा चल रहा है जो कि बहुत ही पहले टाइम से चल रहा है, प्राण प्रतिष्ठा के पहले से ही, तो श्रद्धालुओं के लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। जब लोग दर्शन करने आते हैं वो भी भंडारा का जो है आनंद लेते हैं और जो दर्शन करके वापस जाने होते हैं वो भी जो है आनंद लेते हैं, ठीक है। तो ये भंडारा काफ़ी टाइम से जो है अयोध्या में चल रहा है, आप लोग भी आइए इस पथ से, इसलिए जो है वो भंडारे का आनंद ले सकते हो। यहाँ पर देखिएगा तो धर्मपथ में कुछ इस तरीके से नज़ारा अभी का आपको देखने को मिलेगा। पेड़ पौधे वगैरह जो है कुछ तो सूख चुके हैं लेकिन कुछ जो है लग गए हैं, क्योंकि जो है कंटिन्यू पानी वगैरह डाल रहे हैं। देखिएगा यहाँ का कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो बीच में डिवाइडर में ये सारी चीज़ें लगाई गई थी, ग्रास वगैरह, हालांकि ये तो सूख चुका है, लेकिन जो लेफ़्ट साइड पे एक पतला सा ये डिवाइडर बनाया गया जहाँ पे स्ट्रीट लाइट वगैरह लगाई गई है, यहाँ के जितने पौधे थे सब लग चुके हैं, सभी में टाइम टू टाइम जो है पानी वगैरह डालते हैं, जो है पूरा ख्याल रखा जा रहा है, जिसकी वजह से वो पूरा लग जा रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है यार, आगे चल के जब पौधे और काफ़ी बड़े बड़े हो जाएंगे तो काफ़ी अच्छा व्यू देखने को मिलने वाला है, ठीक है। इस तरीके से आप लोग देखिएगा, यहाँ पर चलते हैं आगे पूरा प्रवेश द्वार तक, सारी चीज़ों को आपको दिखाते हैं किस तरीके से क्या क्या चीज़ें हैं सब आपको दिखाएंगे, ठीक है। अभी जो है कुछ वर्क बचे हुए हैं, जैसे कि रामायणकालीन चित्र वगैरह हो गया, उनका जो है वर्क चल रहा है, साथ ही साथ वॉशरूम की जो है व्यवस्था की जा रही है श्रद्धालुओं के लिए इस पथ पर, क्योंकि इस पथ की लंबाई करीब करीब 2 किलोमीटर के आसपास होगी, तो यहाँ से भी थोड़ा बहुत दूरी पड़ जाती है, इसलिए वॉशरूम वगैरह भी यहाँ पर बनाया जा रहा है। ऊपर आप लोग देखिएगा तो ये रामघाट हाल्ट है, जो कि भाई एक टाइम में तो इस स्टेशन पे, मतलब इस जगह पे लोग जाने से डरते थे रात रात में, लेकिन अब तो इतना अच्छा इसको बना दिया गया है कि इस पे लोग जो है काफ़ी अच्छा खासे मात्रा में लोग उतरते हैं और यहाँ से जाते भी हैं। ये सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हो, ये रामघाट हाल्ट के पास हैं हम यहाँ पर, और यहाँ का आप नज़ारा आप इस तरीके से देख पाओगे। तो कुछ इस तरीके से साथियों भी, वो अभी देखिए भाई पूरा तो पार्किंग एरिया बना दिए हैं लोग, यहाँ पे फुटपाथ पे गाड़ियाँ जो है खड़ी कर दिए हैं सब एक तरफ से, क्योंकि इस पथ पे अब जो है थोड़ा बहुत भीड़ जो है कम हो चुकी है और यहाँ के जो प्रशासन है वो भी थोड़ा सा लूज़ कर दिए हैं, तो सभी लोग जो है गाड़ियाँ पार्क कर रहे हैं। लेकिन आज से एक महीना पहले अगर देखते ना तो ये हालत तो बिल्कुल नहीं थी, किसी की जो गाड़ियाँ हैं यहाँ पर खड़ी होने के लिए नहीं मिलती थी, लेकिन अब तो भैया सब फुटपाथ को एकदम पार्किंग एरिया ही बना लिए हैं। तो कुछ इस तरीके से है यहाँ का व्यू, सामने आपको दोस्तों प्रवेश द्वार देखने को मिल जाएगा, इस तरीके से काफ़ी यूनिक बनाया गया है, मैंने कई सारी वीडियोस में आपको दिखाया है। तो प्रवेश द्वार तक हम पहुँच चुके हैं और सारी चीज़ों को मैंने दिखा दिया किस तरीके से क्या क्या है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। प्रवेश द्वार के हम थोड़ा सा बाहर निकलते हैं क्योंकि वहाँ पर और भी अच्छे अपडेट किए जा रहे हैं, क्योंकि जो धर्म चौक है यानी जो मेन धर्म चौक बनाया गया है उस पर बहुत ही प्यारा व्यू दिया गया है, काफ़ी अच्छे से अपडेट किया गया है, वो चीज़ें मैं आपको चल के दिखाता हूँ। काफ़ी यूनिक व्यू देने की कोशिश भी वहाँ पर की जा रही है। यहाँ से दोस्तों हम उतरते हैं गाड़ी से ताकि आपको और भी क्लियर चीज़ों को दिखा सकें। ये चीज़ें देखिएगा, यहाँ पे है प्रवेश द्वार, तो आगे चलते हैं, हम आगे आपको सारी चीज़ों को दिखाते हैं किस तरीके से। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, ये है प्रवेश द्वार, जैसे कि आपको मैंने भी दिखाया है कई सारे वीडियोज़ में इस तरीके से प्रवेश द्वार। आज जो है भीड़ पता नहीं क्यों बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, और जैसे कि रामनवमी पास आ रहा है वैसे ही अयोध्या में जो है भीड़ बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही है भाई, श्रद्धालुओं की जो संख्या है बहुत ही अपर लेवल की बढ़ रही है। और आपको थोड़ा सा हम दिखाते हैं आगे चल के, वहाँ पे भी कुछ डेकोरेशन वगैरह किया गया है, ये जो चौक इसका बनाया गया है धर्मपथ का, वो चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर भाई गजब की भीड़ है आज तो, ये
सामने दोस्तों चौक बनाया गया है, मैं चल के दिखाऊँ थोड़ा सा। भीड़ देखिए दोस्तों एक बार, बहुत ही भाई जबरदस्त। और ये है धर्मपथ, जबरदस्त भीड़ किए हैं यार आज तो। और यहाँ पर देखिए, ये मैं इसकी बात कर रहा था, यहाँ पर देखिए इस तरीके से चौक बनाया गया। इधर यहाँ पे लिखा भी है धर्म चौक, इधर लाइटिंग वगैरह भी लगाई गई है। और इसको एक गार्डन नुमा जो है काफ़ी अच्छा बना दिया गया। मैं थोड़ा सा इधर चल के आपको दिखाऊँगा, अगर सबको और भी अच्छे से दिखेगा। जैसे कि यहाँ पर दिखेगा ये फूल पौधे सारी चीज़ें लगाकर, ये देखिएगा। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये स्तंभ लगा दिया गया इधर, और कुछ इस तरीके से व्यू बनाया गया। देखिए बीच में लिखा गया है अयोध्या स्वागतम, आपको यहाँ से दिखेगा नहीं क्लियर, उस साइड से शायद थोड़ा बहुत दिख जाए। और यहाँ से इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, ये आपको थोड़ा सा उधर चल के दिखाता हूँ, ये चीज़ दिखता कि नहीं। बहुत ही प्यारा तरीके से लिखा गया यहाँ पर। ये दोस्तों हाईवे, यहाँ के इसके नीचे भी बहुत ही अच्छा डेकोरेशन किया गया इधर सारी चीज़ें। और इधर की मैं बात कर रहा था, इधर देखिएगा ये चीज़ें, देखें कितना अच्छे तरीके से कटिंग वगैरह किया गया है। बीच में जो है वो सिंबल लगाया गया, जैसे कि मोहबरा बाज़ार की चौराहे पे लगाया गया है, वैसे यहाँ पर भी लगाया गया, देखिए ये। और ये है यहाँ का व्यू, इधर से देखिएगा कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा ये चीज़ें, ठीक है। आगे से आप लोग आओगे इधर से भी आ सकते हो, धर्मपथ पे जाना है तो वहाँ से जो भीड़ लगी है मार्ग पे वहाँ से जो है जा सकते हो। तो कुछ इस तरीके से यहाँ का व्यू, इधर देखिएगा ये पेड़ पौधे लगाए गए थे प्राण प्रतिष्ठा के टाइम पे रखे गए थे सब, अब तो फिलहाल जो है सूख चुके हैं। तो ये है दोस्तों धर्मपथ का व्यू, जितना हो सका मैंने आपको दिखाया क्या क्या अपडेट है, क्या चीज़ें हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना, मिलते हैं और एक ब्लॉग में, तब तक के लिए।